नेकी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू बहुत ही नेक और दयालु इंसान था। एक दिन वो लकड़ी काटने करने के लिए जंगल में गया। जंगल में वो रास्ता भटक गया और उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। रामू ने पूछा कि दादाजी क्या हुआ? दादाजी ने बोला, ने बेटा मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाना है? रामू के पास जो भी थोड़ा सा खाना था उसने उसे बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने रामू की इस दयालुता की बहुत प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला कि वो उसकी नेकी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ है। बूढ़े आदमी ने उसे जादुई खजाने का रास्ता बताया। वो खजाना रामू के लिए न सिर्फ धन दौलत लेकर आया बल्कि उसके और उसके परिवार के जीवन को भी बदल दिया। रामू ने उस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए भी किया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और गांव वालों की मदद की। रामू की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि नेकी और दयालुता सिर्फ तात्कालिक ही नहीं बल्कि बहुत दिनों तक लाभ पहुंचाती है। रामू का ये कार्य गांव में नेकी और सहायता की एक नई लहर ले आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नेकी करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है।